हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल आया हुआ है यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड है इसका निर्माण किया है, इसको लेके आर्टिकल है। तो देखो बात ऐसी है, कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि भारत जिसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, और ऐसी बात नहीं कि भारत में रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट की संख्या में लगातार इजाफा है वो हो रहा है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड है उसकी स्थापना की है, तो उसको भी लागू बना दिया गया है, उसको लेकर कंटेक्स्ट आया है। तो देखो रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने यह स्टेप है वो उठाया है। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल रखे गए हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, उसके तहत भी दो प्रावधान ऐसे हैं जो कि रोड सेफ्टी को सिक्योर करते हैं। कौन कौन से दो प्रावधान हैं जो यूपीएससी में पूछ सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? सबसे पहला एक प्रावधान तो यह है कि 2030 तक हमें जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी संख्या में मतलब इनकी संख्या को आधा करना है, मतलब जो जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं आज के टाइम पे इनसे हाफ रेट हमें करनी है। इसके बाद दूसरा प्रावधान है वो कॉमन सा, उसमें ये रखा गया है कि हमें सभी लोगों को सेफ और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जो रोड मतलब ट्रांसपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना है। तो ये दो मेनली रोड सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन के दो प्रोग्राम है या दो पॉइंट्स आप बोल सकते हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योर करने की बात है भी की गई है। भारत में देखो रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसी चीज़ को लेकर इसको इंडिया को भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा है वो होने वाला है। अब इसके सेक्रेटेरिएट कहाँ है वो एक तो यूपीएससी पूछ लेते हैं कि सेक्रेटेरिएट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड है इसकी सेक्रेटेरिएट है वो एक्चुअली यूएनईसीई, यूएनईसी का मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ये इसकी सेक्रेटेरिएट है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस कर रहा है। इसके साथ ही और क्या काम होगा, और काम ये होगा कि रोड सेफ्टी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा, जो मैनेजमेंट है उसको सिक्योर करेगा, और जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी उनमें जितनी भी हेल्प है वो इसके द्वारा वो की जाएगी। तो मेन बात है कि भाई जैसे तैसे कुछ भी हो रोड एक्सीडेंट की संख्या में कमी है वो लानी है, तो इसके लिए जितने भी स्टेप हों उसकी तरफ से उठाए जाएंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है एशियन प्रीमियम के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ ये है, देखो जो कंट्री मैं पेट्रोल का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है इसका प्रोडक्शन करती हैं, जिनको मैं हम ओपेक कंट्रीज के कार्टल बोलते हैं। ओपेक का मतलब यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब वो कंट्री जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो करती हैं। तो इन कंट्रीज ने क्या आपस में कार्टल बना के ये प्रावधान कर रखा है कि भाई एशिया में हम जितना भी अगर पेट्रोलियम भेज रहे हैं ना, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, उन पे हम एक्चुअली एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, मतलब एक तरीके से एशियन प्रीमियम वो लगा रहे हैं। मतलब आप एग्जांपल समझते हैं इनसे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो ओपेक कंट्रीज है ना, उन्होंने अभी ये कर रखा है कि जैसे उन्होंने डिसाइड कर रखी है भाई एक बैरल जो पेट्रोल या पेट्रोलियम है उसकी प्राइस उन्होंने कर रखी है कि भाई $1,000 है, ये ₹1,000 मान के चलो कि ₹1,000 उसकी प्राइस रखी है उन्होंने। तो अब ये करके वैसे तो खैर डॉलर में वो प्राइस होती है, तो मान के चलिए आप एक बार कोई भी एग्जांपल के लिए $1,000 प्राइस है। अब उन्होंने क्या कर रखा है कि भाई $1 है वो जो वेस्ट एशिया जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मान लीजिए जैसे यूके वगैरह हुआ या फिर यूएसए वगैरह, इनको तो हम $1,000 में देंगे, जबकि अगर इंडिया को मतलब इंडिया को कैसे अगर एशिया की कंट्रीज़ को अगर यही हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट देंगे तो यहाँ पे इनको देंगे हम $1,000 तो है ही है, इसके साथ ही हम उनसे कुछ प्रीमियम लेंगे, मतलब ₹100 हो गए ऐसे कुछ जो उनके साथ फिक्स कर दिया कि भाई वो प्रीमियम हम आपसे लेने वाले। मतलब सीधी सी बात ये है कि एशियन जो कंट्रीज हैं इनको जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये दे रहे हैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है एशियन कंट्रीज के थ्रू, उसको बोला गया है एशियन प्रीमियम। मतलब अगर एशियन में आप जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट दे रहे हो, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह, उसके ऊपर आपको कुछ अमाउंट है वो एशियन की जो कंट्री खरीद रही है उसको देना होगा। तो सीधी सी बात इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं, इंडिया हुआ चाइना हुआ, यहाँ पे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स वो महंगे आने लग गए हैं क्रूड ऑयल वगैरह। अब आपको पता है कि क्रूड ऑयल वगैरह महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ की एनर्जी सिक्योरिटी में भी दिक्कत आएगी, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, तो मतलब ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट है वो पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को यहाँ पे राइटर है वो बता रहे हैं कि एशियन प्रीमियम के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, हमें ध्यान रखना है कि एशियन प्रीमियम है क्या, यह ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा जो एक्स्ट्रा चार्ज है फ्यूल पे वो लगाया गया है किसके लिए, मेनली आसियान कंट्रीज़ के लिए, इसको इसलिए इसको नाम आसियान प्रीमियम है वो दिया गया है यहाँ पे। अब ओपेक क्या है, ओपेक हमने देखा था एक कार्टल है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वेनेजुएला हुआ, सऊदी अरब हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, इन कंट्रीज़ ने अपना एक ग्रुप बना रखा है कि भाई हम आपस में मिलकर प्राइस डिसाइड करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, इस रेट पे हमें मार्केट में बेचना है तो उसी रेट पे हम बाकी कंट्रीज को प्राइस में पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचेंगे ताकि हमें हमारे बिजनेस में लॉस ना हो। तो इसके लिए उन्होंने कार्टल बना रखा है, मेनली इसमें 14 कंट्री हैं, इंडिया ऑब्वियसली इसका मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सारी कंट्री के मेंबर वगैरह हमें याद रखने की कोई जरूरत है वो यानी है। काम जैसा मैंने बताया कि पेट्रोलियम जो प्राइस वगैरह है उसको रेगुलेट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ये कंटेक्स्ट था जो हमने यहाँ पे सारा सीनेरियो है वो देख लिया है।
नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसका जो नेक्स्ट सेशन है जो इस बार होने वाला है 2018 में, वो होने वाला है अभी न्यू दिल्ली में, तो उसको लेके आई है। होगा कब बेली, अभी तो काफ़ी टाइम है, वो है 25 to 27 अक्टूबर के बीच से इसकी डेट है वो डिसाइड की गई है। तो देखो, आपको दो तीन फैक्ट बता दूँ कि इंडिया मोबाइल जो कांग्रेस है, इसका फर्स्ट जो सेशन है वो लास्ट ईयर 2017 में ही आयोजित हुआ था, और ये सेकंड सेशन है यहाँ पे आयोजित है वो हो रहा है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। थीम क्या है इस बार की, थीम वो है न्यू डिजिटल होराइजन्स, कनेक्ट क्रिएट और इनोवेट। तो ये इसकी थीम है, थीम हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि थीम पे यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेती है। अब भाई, इसको इंडिया मोबाइल कांग्रेस को कौन होस्ट कर रहा है और क्या इसका काम है? देखो, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ ही सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज हैं, वो करेंगे। काम क्या होगा इसका? काम देखो ये है कि इसमें डिफरेंट जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मोबाइल स्टेक होल्डर हैं, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर इलेक्ट्रिक एजेंसीज हैं, वो सब मिलकर एक साथ आएंगी तथा उनके जो फ्यूचर के जो भी इश्यूज हैं उन पे बातचीत की जाएगी। आगे उनको किस तरीके से काम करना है, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी चीज़ों पे आपस में बातचीत है वो की जाएगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में कोई भी समस्या ना हो और प्रॉपर स्टेप है वो उठाए जा सकें, इसके लिए बातों की जा रही है। और मेनली एक चीज़ आपको यहाँ पर ही ध्यान रखनी है कि इसमें केवल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में केवल इंडिया ही शामिल नहीं है, इसमें आसियान कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसका जो बिम्सटेक है ये कंट्रीज भी इसमें शामिल हो रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिम्सटेक के मेंबर हैं कौन कौन है, क्योंकि एक बार यूपीएससी पूछ लेती है कि आसियान और बिम्सटेक में जो कॉमन मेंबर है वो बताइए कौन है कौन है, तो इसे मेज द फुलिंग वगैरह में या फिर उनको आपस में अरेंज वगैरह करवा लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है प्रोजेक्ट DIMAS के बारे में, प्रोजेक्ट दिमास के बारे में, सॉरी मिदास के बारे में। तो प्रोजेक्ट मिदास है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, जो प्रोजेक्ट मिदास है ना, वो एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम का एक प्रोग्राम है। किस लिए? यह अंटार्कटिका ऊपर एक स्टडी करने के लिए, मतलब अंटार्कटिका जो है महाद्वीप हमारा कॉन्टिनेंट है, इसकी स्टडी करने के लिए कि भाई वहाँ पे क्लाइमेट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या नतीजा है वो वहाँ पे आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए ही यूनाइटेड किंगडम का एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट मिदास। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट मिदास है, वो इंडिया वगैरह का नहीं है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं वो हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रोशनी योजना के बारे में। तो रोशनी योजना के बारे में हम कंटेक्स्ट है वो देख लेते हैं। रोशनी योजना है, देखो वो मैंने चलाई गई है नक्सलवादी जो प्रभावित एरिया ना हमारे देश में, उन एरिया में इसका मेन प्रावधान किया गया है, ताकि जो रूरल जो यूथ है हमारे देश की, जो मतलब ग्रामीण एरिया में जो युवा वर्ग है, उसको एक्चुअली नई रोशनी है, मतलब उनको एक नया सहारा दिया जा सके, ताकि वो स्किल वगैरह सीख सके। मतलब सीधी सी बात यह है कि नक्सल जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर रूरल यूथ है उसको मार्केट बेस्ड स्किल है वो दी जाएंगी, और इसमें मिनिमम प्रावधान ये किया गया कि भाई जो वुमेन है ना वहाँ पे, मतलब जो जितने भी लोगों को यहाँ पे स्किल दी जा रही है उसमें से 50% तो वुमेन होंगी, मतलब कम से कम 50% वुमेन को यहाँ पे स्किल है वो दी जाएंगी। इसके साथ ही ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, नक्सलवादी एरिया में प्रभावित रूरल लोगों के लिए चला गया, तो यह रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चला गया। ये आपको ध्यान रखना कि ट्रैवल वगैरह ऐसा टिक मार्क मत कर देना एग्जाम में, यूपीएससी काफ़ी कन्फ्यूज यहाँ पे कर सकती है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा रहा हुआ है ICRIER के बारे में, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन को लेकर आए। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एक पॉलिसी मेकर है, इसके साथ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी इसके बारे में डायरेक्टली पूछ सकती है। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि देखो, दलवाई एक कमेटी आई थी, दलवाई कमेटी इसलिए आई थी ताकि किसानों की इनकम और डबल की जा सके, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान बताए थे ताकि किस किस तरीके से गवर्नमेंट को स्टेप उठानी है। तो उन्होंने कुछ प्रावधान बताए थे, जैसे कि भावांतर भुगतान योजना स्कीम है उसको लेके आ जाए, ताकि किसानों को MSP से ज़्यादा पैसा वो दिया जा सके। मतलब ऑल ओवर बात ये थी कि भाई किसानों को जितनी MSP की बात की जाती है ना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उससे ज़्यादा पैसा मिले, ताकि किसान अपनी आजीविका को भी सिक्योर कर सकें और उनको प्रॉफिट हो और वो एग्रीकल्चर में अपना इंटरेस्ट है वो दिखे। इसलिए दलवाई कम्युनिटी आई थी, तो उसने ये बताया कि भाई देखो, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाने होंगे और काफ़ी कुछ कमी है, उनको दूर करना होगा, और जो MSP वगैरह की बात है ना, उससे सोल्यूशन नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को यह करना होगा, भाई किसान जितना भी बेच रहे हैं ना, किसान ने 100 क्विंटल गेहूं बेचा, तो उसके अकॉर्डिंग ही किसानों को डायरेक्टली पैसा वो उनके अकाउंट में देना होगा। ऐसा नहीं कि MSP वगैरह के थ्रू में चक्कर लगाना है। MSP कितनी भी हो या नहीं हो, कोई इश्यू नहीं है। मेन बात यह कि जितनी गवर्नमेंट ने MSP अपने आप डिसाइड किए, उसके अकॉर्डिंग जितना पैसा बच रहा है, कि भी जैसे गवर्नमेंट ने MSP डिसाइड किया कि भाई 2000 रुपये हम किसानों को पर क्विंटल अकॉर्डिंग गेहूं के देंगे, और जबकि मार्केट में बेच रहे हैं 1000 के आसपास, तो 1000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसानों के डायरेक्टली अकाउंट में भेज देगी, मतलब डायरेक्ट किसानों के पास पहुंचेंगे, तो इससे किसानों के पास पैसा आ जाएगा और किसान आराम से अपनी आजीविका को चला सकते हैं। तो ये दलवाई कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, तो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि दलवाई कमेटी किससे रिलेटेड है। जैसे ये कल हमने पूछा था, कल हमने डिस्कस भी किया था कि YS मालेकान जो कमेटी थी वो किससे किसके लिए बनाई गई थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में आज बताइए, कल का ये क्वेश्चन था।
तो ये देखो बात ऐसी है कि ये अभी काम किया इसके साथ इसका, ये आई सी आर है, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि इकोनॉमी के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो अपनी पॉलिसी वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्प हो करता है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब बात क्या है कि हमारे देश में जो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके अंदर पर किसानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाना है, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी टिप्स वगैरह बताए हैं, पॉलिसी के बारे में अपने सुझाव वगैरह दे, क्योंकि ये आपको पता है थिंक टैंक है। तो थिंक टैंक का काम क्या होता है, जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है उस पर अपना डाटा वगैरह प्रोवाइड करना, कि किस तरीके से काम करना है, वो सारी डिटेल्स इनके द्वारा प्रोवाइड है, वो की गई है। तो ये बॉडी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ICR IER। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि एक ऑटोनोमस पॉलिसी मेकर, नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है, काफी काफी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडिया अंडर वॉच लिस्ट के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट कुछ ये है कि यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूएस है, यूएस का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, मतलब यूएस की जो सेक्रेटरी कांग्रेस है, उसने एक्चुअली इंडिया को वॉच लिस्ट में डाल दिया है। अब इस वॉच लिस्ट में डालने से क्या होगा, क्या सारा सीन है वो देखते हैं। देखो इंडिया के ऊपर ऐसा आरोप, मतलब आरोप क्या लगा, उन्होंने एक्चुअली इंडिया पर ऐसा संदेह जताया है कि इंडिया है वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। मतलब क्या है, करेंसी को मैनिपुलेट करने का सीन, मतलब सीधे सीधा उनका कहना ऐसी बात है कि भाई देखो इंडिया ना वो अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहा है कि अपनी जो करेंसी है ना इसको डिवेल्यूएट कर रहा है, मतलब अपनी करेंसी को मार्केट में सस्ता कर रहा है ताकि लोग एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके। क्योंकि ये चीज़ देखो हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री वो अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए क्या करती है, डिवेल्यूएट करती है। जैसे चाइना ने भी काफ़ी बार अपनी करेंसी को डिवेल्यूएट किया था ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो इससे जब करेंसी डिवेल्यूएट होती है तो इससे जो एक्सपोर्टर होते हैं उस कंट्री के, उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो ऐसा उन्होंने संदेह जताया है कि भाई इंडिया ऐसा भी कुछ काम कर रहा है। तो अब देखो ऐसा किया क्यों है, ऐसा यूएसए ने इसलिए किया है क्योंकि यूएसए कि उस और जो इंडिया का जो ट्रेड है ना वो एक्चुअली इंडिया के सरप्लस में है, मतलब इंडिया उसमें फायदे में, यूएसए उसमें घाटे में है। तो इसलिए यूएसए ने सोचा कि यार हम भी प्रॉफिट में रहे, हम घाटे में क्यों रहे। तो इसके लिए वो एक्चुअली कहीं इनडायरेक्टली इंडिया पे थोड़ा दबाव बनाना चाहते हैं ताकि इंडिया थोड़ा जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो यूएसए में वो थोड़ा कम करे और इंडिया इंपोर्ट को बढ़ाए। इसलिए एक्चुअली उन्होंने थोड़ा इनडायरेक्टली थोड़ा दबाव वगैरह बढ़ाने के लिए ऐसे स्टेप वगैरह उठाए। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि वॉच लिस्ट का प्रावधान क्या है, वॉच लिस्ट में ही इसलिए किया गया ताकि इंडिया के को आरोप लगा कि भाई वो जो करेंसी को मैनिपुलेट वगैरह करता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप ध्यान रखना कोई टेरर फंडिंग वगैरह का कोई सीन वगैरह नहीं है, जैसे यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे रिसेंटली यूएसए ने ग्रे लिस्ट के अंदर डाला था पाकिस्तान को, क्योंकि मतलब उसकी आतंकी गतिविधियों की वजह से। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पड़ोसी कंट्रीज में हमारा चाइना है वो भी एक्चुअली यूएसए की जो अंडर वॉच लिस्ट है उसमें शामिल है। बाकी और कंट्री में देखा जाए तो जर्मनी है, जापान हुआ, कोरिया हुआ, तो काफ़ी कंट्रीज जो उसमें शामिल है। तो कोई इतने बड़ा इशू तो नहीं है, बट हमें बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। तो एक बात देख लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड के बारे में। इसके साथ ही हमने आसियान प्रीमियम के बारे में डिस्कस किया कि जो ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा स्पेशल प्रीमियम लगाया गया है एशियन के कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रही है उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़े। इसके साथ ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जिसका सेकेंड सेशन इस बार आयोजित है वो होने वाला है न्यू दिल्ली में। इसके साथ ही हमने प्रोजेक्ट मिदास डिस्कस किया जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक अंटार्कटिका पे एक प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही हमने रोशनी स्कीम है वो डिस्कस की। इसी के साथ हमने ICR IER के बारे में डिस्कस किया जो कि ऑटोनोमस पॉलिसी मेकर, नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमने दलवाई कमेटी है वो देखी है, और लास्ट में हमने देखा इंडिया अंडर वॉच लिस्ट जो कि यूएस की सेक्रेटरेट से जो ट्रेजरी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है उसने भी इंडिया को इस वॉच लिस्ट में डाला है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थोड़े क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये बताना है कि भारत तीन में से किस किसका मेंबर है। पहला ऑप्शन दिया गया है AIIB के बारे में। AIIB क्या है, वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तीसरा हुआ है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, चौथा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इनको बताना है कि इन चारों में से इंडिया किसका मेंबर हो किसका नहीं है। देखो इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका मेंबर भी है, इसके साथ ही इंडिया न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मेंबर भी है, और जो इंडिया है वो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है इसका रिसेंटली मेंबर बना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट था वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका भी मेंबर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। इसके साथ ही हम थोड़ा चलते हैं आगे। आगे एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है मेनली ज्योग्राफी से रिलेटेड। आपको ये बताना कि जो कोयला बनाते टाइम जो फ्लाईएश उत्पन्न होती है, फ्लाईएश जो कि राख बनती है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि उसका क्या क्या यूज हो सकता है। कॉमन सा क्वेश्चन है। पहला ये है कि इससे एक तो मिट्टी की जो जल धारण करने की कैपेसिटी है उसमें सुधार हो सकता है, मतलब सुधार किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि एक तो इससे ईंट वगैरह बनाई जा सकती है जो ब्रिक्स वगैरह है वो, इसके साथ ही इसे सड़क निर्माण वगैरह के सेक्टर में भी काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
देखो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लाई ऐश होता है उसमें थोड़ी सीमेंट की तरह के कैरेक्टरिस्टिक वगैरह होते हैं, तो इसलिए उसका जल धारण क्षमता में सुधार करने के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि पानी वो डायरेक्टली जमीन के अंदर ना चला जाए। इसके साथ ही ईंट वगैरह बनाने में भी उसका यूज होता है और सड़क निर्माण में भी इसका यूज होता है। तो यूपीएससी ऐसे काफ़ी इजी क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली पूछ लेती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है MSME संबंध पोर्टल के बारे में। MSME संबंध जो पोर्टल है इसके बारे में आपको बताना है कि क्या यह पोर्टल है। देखो MSE संबंध पोर्टल के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है ना MSMEs, उनके साथ जो भी खरीद जाने की सार्वजनिक जो खरीद की जाएगी ना उसके क्रियान्वयन को रेगुलेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। वो दोबारा बोल रहा हूँ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनके द्वारा MSMEs से साथ जो की जाने वाली सार्वजनिक खरीद है उसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए इसकी स्थापना की गई है। दूसरा यह है कि सूक्ष्म एंड लघु मध्यम जो उद्योग हैं उनको ऋण और सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना वो की गई है। दोबारा बोल रहा हूँ, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की ऋण हेतु जो सहायता और सेवा है वो पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना वो की गई है। तो दोनों में से देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको खुद को बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट था वो था केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनके साथ जो MSME से जो भी वो खरीदे वगैरह कुछ खरीदेंगे उसके क्रियान्वयन का उसको रेगुलेट करने के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो MSME संबंध बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक सेकेंड थोड़ा, हाँ यहाँ पे वाइट पेज तो है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NESIDS के बारे में। एक सेकेंड, NESIDS इसकी है, NESIDS के वो है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके बारे में आपको बताना है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसके अंतर्गत भौतिक अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन दोनों का निर्माण है वो किया जाएगा। मतलब भौतिक से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ ही और बाकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन दोनों को यहाँ पे बूस्ट वो किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह सेंट्रल सॉरी दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत जो वित्त पोषण है जो फंडिंग दी जाएगी वो 90% तो दी जाएगी सेंट्रल के द्वारा और 10% दी जाएगी स्टेट के द्वारा। तो ये आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ कि यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत जो फंडेड है वो 90% तो सेंट्रल देगा 10% स्टेट है वो देगा। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो स्कीम चलाई गई है वो एक्चुअली जो सोशल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी सोशल सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन दोनों को बूस्ट करने के लिए चलाई गई है। बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और इसमें जो फंडिंग है वो 100% फंडिंग है वो एक्चुअली सेंट्रल सेक्टर के द्वारा दी गई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, यूपीएससी इसके बारे में हमें काफ़ी कंफ्यूज कर सकती है और इस तरीके से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन वगैरह डायरेक्टली पूछ भी लेती है। तो ये चीज़ ऐसे हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्विफ्ट के बारे में आपको बताना है। अभी आजकल एक वर्ड न्यूज़ में था स्विफ्ट के बारे में, तो ये आपको बताना है कि क्या यह कोई एक NGO है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि स्विफ्ट है वो एक तरह से मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका यूज है वो बैंक इंटर बैंक मनी ट्रांसफर के लिए यूज है वो करते हैं। तो ये आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, स्विफ्ट है वो एक तरीके से एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका यूज़ है वो मेनली इंटर बैंक मनी ट्रांसफर के लिए किया है वो जाता है। और यह भी न्यूज़ में इसलिए था जब से नीरव मोदी का जो घोटाला आया था उसमें से पंजाब नेशनल बैंक ने स्विफ्ट का यूज ही किया था, तो उसका इश्यू सामने आया था। तो इस तरीके से यूपीएससी देखो कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है, तो हम यहाँ पे उनको क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस है वो कर रहे हैं। तो देखो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।